हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम पीले। तो क्या हाल चाल है? देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते, आराम से बढ़ते, नीचे उतरते, झगड़ते, लड़ते। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इधर आते हैं, नया इवेंट है तो खेलना बनता है बॉस, तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है, उतरते ही पहले हाथ ग्रेनेड, बैंडेज, फर्स्ट एड, एमओ किसी काम का नहीं। जब गन ही नहीं है तो क्या करूँगा भाई, एमओ फेंक के मारूँ क्या? और ग्रेनेड फेंकता हूँ क्योंकि यही था। और कसम से बोल रहा हूँ गाइज, मेरे पास कुछ नहीं। ये देखो भाई, मेरे को रेड डॉट मिल रहा है। अबे रेड डॉट क्या फेंक के मारूंगा क्या? एमओ भी दे रहे, फिर मैं ग्रेनेड फेंक के मारता हूँ, क्या पता तुक्के से लग जाए यार। और मिनी 14 से नहीं होता यार, टैप टैप करना पड़ता है, तो वो इधर एके मिल जाती है। और थोड़ा सा फास्ट वर्ड, ये देखो फास्ट हैक है, काम की चीज़ है, तो इसलिए। तो इधर नंबर टू, नंबर वन मेरे पास है, हाँ नंबर टू और नंबर फोर फंसे पड़े थे, तो मैं आगे जाता हूँ। एक नॉक वाला बंदा दिखता है, पता नहीं किसका है, तो किल मेरे को मिल, आए हाय हाय क्या किल मिल ली है मेरे को। तो इधर से मैं यू नो थोड़ा सा एमो अब लेना तो पड़ेगा। देखो तो एमो लेते ही नंबर थ्री सीधा बढ़ जाता है और मैं इधर प्री फायर देता ही रहता हूँ, ठीक है ना? ये देखो, और यार इस बंदे ने फुल ख़त्म कर दिया है बे मेरे टीममेट को, इसको मैं ही टपकाया, दो दो के लोग है। और इधर थोड़ा सा यू नो लूट मलाठी करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छी गन नहीं है, वेक्टर है, उस पर भी एक्सटेंडेड नहीं है। आगे एक झलक दिखला जा करता है ये बंदा, तो मैं सोचता हूँ यार झलक दिखला जा बहुत हो गया, अब मेरे को आ जा आ जा आ जा, नहीं आता तो मैं क्या करूँ। मैं सोचता हूँ यार अंदर नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि अंदर बहुत ही गंदी, मतलब गंदी भसड़ मची होगी, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जाता। ठीक है, जब अंदर नहीं जाता मतलब सच में नहीं जाता भाई, क्योंकि इतनी गंदी भसड़ में कोई भी अंदर नहीं जाता है, क्योंकि चारों तरफ गोली की बरसात हो रही थी भाई, मेरे कान दर्द करने लग गए थे मजाक से हट के। और मैं फुल वॉल्यूम पे खेलता हूँ तो मेरे कान के पर्दे ऐसे फटे कि क्या बताऊँ कैसे फटे। यहाँ से मैं एंगल निकालने की कोशिश करता हूँ, आगे से फायर चलती है, वो छोटी सी जो छेद है ना उधर से, तो मैं सोचता हूँ यार मैं अंदर नहीं जाने वाला, ये कैंपिंग, ये भाई ये कैंपर्स ना कहीं पे भी कैंपिंग करके बैठे ले और मेरी फट जाती है। तो मैं इधर घूम के आता हूँ, नंबर वन को बोलता हूँ अंदर मत जा, अंदर मत जा। तो मैं इधर से देख रहा होता हूँ उसको कवर देने के लिए, और मैं थोड़ी सा आगे चलता हूँ, आगे एक बोंदा मिलता है मेरे को, बोंदा। तो इसको ठोकने का बस यही एक फ़ायदा है, और इसका किल भी मिल गया। और मेरे टीममेट बोल रहे हैं यार तू मारे जा रहा है, किल कितना हुआ? मगर मेरे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यार, मेरा किल इतना ही है, क्योंकि बाद में यार ये लोग पूरा मतलब पकड़ के धोते हैं यार। अगर किसी जगह पे इनको धोबी के, मतलब धोबी के लिए होता ना वो दे दिए गए ना, तो ये लोग तो क्या धोएंगे यार। चलो धोबी का जॉब के बारे में बाद में बात करेंगे, गेम प्ले में ध्यान देवे। तो इधर से डीपी वीपी मिलती है जो कि मेरे किसी काम के नहीं। ये देखो पेटी, देख रहे हो पेटी, पेटी पे पेटी, अरे भाई 5 KM हो गया, उठाना पड़ेगा ग्रेनेड। ये भी शील्ड तो चाहिए भाई, और ये पता नहीं क्यों है फिर भी ले लेता हूँ। ओके पेन किलर ले लिया, ओके। तो आगे शायद बंदे दिख ले ले मेरे को, ऐसा ही लगता है मगर होता नहीं, क्योंकि लूट करते करते यार बंदे तो पता नहीं कहाँ कैंपिंग करके बैठे ले। देखो इतने बंदे थे और एक भी नीचे नहीं उतरा, लाइक सीरियसली एक भी नहीं। तो मैं सोचता हूँ यार निकलने का ही चांस है तो निकल ही लेते हैं, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा एमओ भी नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। कोई ढंग का स्कोप भी नहीं है भाई, सही है, मतलब बहुत सही है भाई। और ये देखो धरती हिली और मैं नीचे, ठीक है। नंबर टू और नंबर
3 तो मतलब वो तो पता नहीं पहले ही उतर चुके थे, मगर ये देखो भाई, ये लोग खिलाते हैं मतलब खिलवाते हैं गेम पे, पता नहीं कौन से कोने पे जाके फेंक दिया बे भाई, बहुत गंदा फेंका है रे। यो देखो मैप पे देखो भाई, इसीलिए मैं आजकल ज़्यादा ऊपर जाता नहीं हूँ, क्योंकि यार टीम टीम के साथ खेलो तो साथ रहनी रहना ही मतलब ज़रूरी होता है, ठीक है। अलग अलग रह गए तो तुम्हारी फटके जार हो जाएगी और सिलने को सलवार हो जाएगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, नंबर वन को ध्यान से, क्योंकि हम लोग जो उतरे हैं ना, ऊपर वाला बंदा भी इधर ही आया होगा, तो पीछे देखते रहना और आगे चलते रहना, क्योंकि जोन पे भी जाना है भाई, बहुत दूर है जोन। और मैं यहाँ पे फालतू का ये गैस कैन वैस कैन उठा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे किसी काम का नहीं है, बट नो प्रॉब्लम। तो हम इधर जा रहे होते हैं और जा रहे ही होते, रुको यार मेरे को फास्ट फॉरवर्ड करने दो भैंस की डंडी। ओके अब फास्ट फॉरवर्ड हो गया, इसे बोलते हैं फ्लैश हैक, क्योंकि हैकर है तुम्हारा भाई। और गया, सीरियसली मत लेना कमीनो, ठीक है। और मैं जा रहा होता हूँ गाड़ी की तलाश में, भाई गाड़ी नहीं है, और नंबर 2 और नंबर 3 फाइट कर रहे होते हैं, और नंबर 3 ने पूरी स्क्वाड वाइप कर डाली। ये देखो अभी नंबर 2 नॉक है, नंबर 3 बचा है। मैं सोच रहा हूँ यार अगर ये लोग मर गए तो हमारी तो फट गई जार, सिलने को सलवार दोनों एक साथ होने वाला है, मगर नंबर 4 ने क्या ही स्क्वाड वाइप किया, बहुत मज़ा आ गया यार। अगर आप लोगों को पता नहीं नंबर 4 कौन है, तो वो दोस्त है मेरा, शटअप नाम है उसका गेम में। हाँ थोड़ा सा रूड लगता है बट है, जो भी है। तो इधर से मेरे को ड्रॉप दिख जाता है, तो ड्रॉप लेने में यार एमओ तो चाहिए, देखो अगर एमओ नहीं है तो क्या है। तो मैं नंबर 1 को बोलता हूँ दिया आगे आते रहना, क्योंकि मेरे को गाड़ी दिख चुकी थी, मतलब हमारे लिए गाड़ी दिख चुकी थी, मेरे को ड्राइव करना था, तो मैं आगे जाता हूँ थोड़ा सा एमओ उठाते हुए। तो नंबर 1 को उठाता हूँ मैं, फिर चलते चलते मेरे को एक झलक दिखलाजा जैसी फीलिंग आती है, आगे बंदे देखा नहीं दिखा, अभी देखोगे मज़ा आएगा। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा एक अब नहीं, अगर मैं खुद भी गाऊँ ना तो YouTube वाले मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे, क्लेम सॉरी। और इधर इसको तो टपकाने का बनता है बॉस, टपका दिया दोनों को एक साथ, फिर पीछे से गंदी पड़ती है रे, इतनी गंदी तरीके से पड़ती है ना मेरे को, वो देखो अभी देखोगे। हाय 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 हाय, तो मैं कॉल देता हूँ यार, बंदे हैं बंदे हैं बंदे हैं नंबर तेरे। और अभी मेरे टीममेट की बातें सुनो, सुन लिए अभी भी बाकी है। ओके चलो अब बोलता हूँ यार, बहुत हो गया। तो क्या होता है कि नंबर पता नहीं कौन ड्राइव कर रहा होता है, शायद नंबर 3 ड्राइव कर रहा होगा शटअप, तो वो ड्राइव करता है, ठीक है। ये अक्सर मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि भाई अगर मैंने स्क्वाड वाइप कर दिया ना, लाइक 2 स्क्वाड को वाइप कर दिया है ऐसा कुछ, तो भाई अंदर क्या ही जुनून आता है भाई, जशन का जुनून जो भी हो। तो इसी में यार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं आगे आ रहा था, मेरे को दिखा नहीं बंदा, और गोली कहाँ से पड़ी ये देखो, वाह भाई कहीं भी लेट जाते हैं भेड़ी, मतलब इतना बड़ा गाड़ी है, फटीली पड़ी है, कवर इतना है, कहीं भी लेट जाते मेरे, नहीं सच में। ऊपर से फायर आता है, तो मैं नंबर 1 को बोलता हूँ उधर मत देना वरना दोनों की फटेगी।
नंबर वन ने क्या ही सेव किया बे, क्या ही बचाया, चलो अच्छी बात है। और नंबर टू और नंबर थ्री की कुछ चीज़ें चल रही होती है, बोल रहे होते कि ऐसी की तैसी यार, तूने कैसी गाड़ी चलाई यार, मेरी फटकी चार हो गई है ये वो। ये तो ये बस हो गया यार, जो होना था हो गया। अब क्या मतलब बच्चे की जान लोगे क्या? तो मैं यहाँ पे कुछ लूटम लाटी करता हूँ, लूट की ज़रूरत है यार, अभी तक एटेक्स नहीं मिला। अगर तुमने देखा होगा लास्ट बंदे को फोरेक्स से मार नहीं पाए क्योंकि उसकी टपली नहीं दिख रही थी, और मेरे को हेडशॉट मारने की आदत है। तो लूटम लाटी कर रहे हैं, 1 मिनट फास्ट फॉरवर्ड करने तो यार। ओके, तो लूटम लाटी करने के बाद अभी भी लूट ही रहा हूँ। अबे बस बस कर भाई, क्या लूट के क्या घर लेके जाएगा? वैसे 8x की ज़रूरत है। देखो यार, 4x पे ऐसे नहीं चलता है भाई। 8x पे जो मज़ा है वो 4x में नहीं है, ठीक है? 8x पे जो मतलब डॉट है ना, वो ठीक बंदे की टपली जो तो पूरा दिखता है भाई। तो मैं बोलता हूँ यार बस हो गया। नंबर टू और नंबर थ्री बोल रहा है रश करो रश करो, तो मैं बोलता हूँ यार चलो रश कर ही लेता हूँ। वैसे बंदे मिलने तो है नहीं क्योंकि सबके सब ऊपर सब कैम्प करे ले करके बैठे ले। तो इधर एक ड्रॉप दिख रहा दिखता है मेरे को, और मैं चलता हूँ यार धूम गया। उसके बाद पता नहीं क्या है, तो धूम के चलते ऐसे ही कर रहा होता हूँ आराम से, एकदम झकास। और चलते चलते कट जाए रास्ते जैसी फीलिंग आ गई थी, मगर शुक्र है पहुँच गए। और ग्रोजा यार, ग्रोजा में उठाने वाला हूँ नहीं, ठीक है? ग्रोजा पे सप्रेसर मज़ा आता है, सप्रेसर लगाओ तो, वरना फालतू है। देखो सिंपल सी बात। और इधर आते आते मेरे को राइट पे दिखता है ये बंदा। आओ बंडा, संडे हो या मंडे, रोज मारेंगे बंडे। अरे रे, अभी 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 रुको रुको, 1 मिनट स्टॉप। ओके, जब भी मैं कुछ करने के जाता हूँ ये आंटी बीच में आती है, पता नहीं क्यों। चलो इधर एक बंदे को टपका देता हूँ, मतलब टपकाने की कोशिश तो की थी मगर बच गया। यार मुझे कुछ करना पड़ेगा ये स्प्रे के लिए, बेइज्जती इज्जत जा रही है बे। एनीवेज अभी देखो मेरे दोस्त क्या बोलते हैं और मैं क्या बोलता हूँ। ने कृष्ण के बाबू सही हो। जैसे डेरो ना जैसे क्या ढूंगा में वो ढूंगा में अच्छी था सके वो ते टाइम आ अगाड़ी ना ते अगाड़ी तिम्रे अगाड़ी छ तो वो से तो ते ढूंगा में छ से तो तो ढूंगा में वो देखना वो ग्लिच भइ रहा है जे स्लिप यार बार से हाम्रो यार बोलेको स्लिप बार शब्द के नो देख्दो रे यार। आ आ अब त्यो आ ढुङ्गाको आ पछाडि ती ती त्यो ढुङ्गाको पछाडि हामी त जस्तै यार त्यही त हो त्यही उ राइटमा राइटमा के बात आना लाग तो भाई यही वो रीजन है, ठीक है? ये उधर आगे वाले पेड़ पे था, यहाँ तक आ गया भाई, वो भी रगड़ते घिसड़ते घिसड़ते। और नंबर मैं कौन सा नंबर हूँ? नंबर फोर। ओके, नंबर वन मुझे बोल रहा होता है कि यार AWM, तो भाई AWM मैं छोड़ता नहीं हूँ, किसी को भी पूछ लो भाई, AWM मेरा फेवरेट है। आई एम रियली सॉरी। एनीवेज भाई मैं तंग आ गया था इस बंदे को ढूंढते ढूंढते भाई। अगर ज़रा सा भी चूक हो गई ना, मिसटेप हो गया था, तो मैं गया। आई वुड हैव बीन डेड ऑन द स्पॉट। मगर कोई नहीं कोई ना, ऐसे सिचुएशन में भाई ग्लिच, पबजी का जो ग्लिच होता है, ये बहुत काम आते हैं ऐसे सिचुएशंस में।
और एमओ चाहिए था, और कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना, तो ले लिया मैंने आराम से। बग्गी में बैठा और निकलने ही वाला हूँ। ठीक है, अभी निकलने का तो बनता है क्योंकि जोन अपने पे रहा नहीं, क्योंकि जोन तो भाई जोन है, कहीं पे भी मतलब सर्कल कहीं पे भी बन जाते हैं और ख़त्म। टीममेट को बोल रहा था इधर से उठा ले, मगर वो बोलता है नहीं है मेरे पास, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है तो ठीक है। और अभी मेरे टीममेट को मतलब नंबर वन को दिखता है कोई बंदा, ठीक है, एक बंदा दिखता है उसको लेफ्ट साइड में, मेरे को दिखा नहीं मगर नंबर वन बोल रहा होता है। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था जोन के अंदर जाने के लिए, नंबर वन चिल्ला के बोलता अबे रुक, तो मैं रुक गया भाई। और अभी देखना अभी क्या चमत्कार है भाई, ग्लिच तो ठीक है हेल्प भी करती है मगर फटा भी देती है। ये देखो टंकी आवाज आई, ये क्या देखो हेड पे रखा, फिर से देखो टन। भाई हेड कैसे नहीं है यार, उसकी टपली पे जो बुलेट की बुलेट साउंड आता है वो लगा था यार, टन की आवाज आई थी, मगर इस बार छोड़ूंगा नहीं, मैंने सोच लिया था साले को AWM से ही ठोकूंगा, और लास्ट पे भी AWM से ही ठोका। पिछवाड़े पे क्या लगी है। ओके, तो यही है जो है, क्या कर सकते। स्काउट कर रहा था पीछे, देखते देखते हो गई, और ये मैं मंगवा रहा था क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था यार फ्लाई कर सकते हैं इससे। मैं बोल रहा था अपने टीममेट को, ये कह रहे थे यार बकवास कर रहा है यार, ऐसे को कैसे ऐसे कैसे फ्लाई करते, तो कंट्रोल में देख रहा था यार फ्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है भैंस की डंडी, तो मैं वही जंप करने की कोशिश कर रहा था बेवकूफ़ी की तरह अपना, क्या बोलूँ यार कट गया भाई अपना कट गया। आगे पे मेरे को पेटी दिखती है तो मैं समझ गया यार कोई ना कोई तो है, तो मैं जा रहा होता हूँ और लास्ट सर्कल पे नंबर वन को खुजली होती है ड्रॉप लूटने की, तो नंबर वन बोलता है मैं ड्रॉप लूटने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है मैं नंबर वन को कवर देता हूँ। नंबर वन को तो कवर मैंने दिया मगर मैं भूल गया यार मेरे को भी तो कवर चाहिए, डुओ वर्सेस स्क्वाड हो चुका है, मैं ये बात भूल गया। और शील्ड लगा नहीं पाया, नंबर वन को फायर पड़ चुकी थी गंदी तरीके से, और पता नहीं नंबर वन को वो बंदा दिखा क्यों नहीं, क्योंकि नंबर वन बोल रहा है मेरे को दिखाई नहीं ये बंदा, जबकि मैं ऊपर से देख रहा हूँ मैं इसकी डंडी शैक के साइड से पिकाचू कर रहा है। अरे भाई, और इस मैच में यार AWM को पता नहीं क्या हुआ है या मेरे स्नाइपिंग को क्या हुआ है, हेड पे मारता हूँ यार टंकी आवाज आती है, नॉक नहीं हो रहा। ये देखो एक दो, और ये गलती कर दी यार राइट साइड से पड़ी है, मगर रिवाइव हो सकता था मगर नहीं हो पाया क्योंकि नंबर वन ओपन पे चला गया, तो मर गए सैड लाइफ। एनीवेज इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब।